देवेंद्र जी, क्योंकि किसान एक ऐसा मुद्दा रहा इस राज्य में खासकर, और देश में भी एक अलग तरीके से कैंपेन चलाने की कोशिश हुई। कल ही केंद्र सरकार ने गन्ने को लेकर के भी और खासकर किसानों के लिए बढ़ोतरी को लेकर कुछ फैसले लिए हैं। मैं जानना चाहती हूं, आपको लगता है महाराष्ट्र में जिस तरह का एक कैंपेन आपके खिलाफ में सरकार के खिलाफ चलाने की कोशिश है, इस तरह के फैसले उनको जवाब की तरह है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कभी अपनी जुबान से जवाब नहीं दिया है, उन्होंने अपने कार्य से जवाब दिया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि किसानों के लिए मोदी जी ने जो फैसले लिए, स्वतंत्र हिंदुस्तान के इतिहास में इतने फैसले कभी नहीं हुए। देखिए, हमारा तो महाराष्ट्र शुगर बेल्ट के लिए जाना जाता है, चीनी कारखानों का एक सबसे बड़ा, मैं ऐसा मानता हूं कि एक सेंटर महाराष्ट्र है। और इसलिए महाराष्ट्र के हमारे अपोनेंट्स को ये लगता था कि गन्ना किसानों के और चीनी मिल मालिकों के वही मसीहा है। लेकिन अब चीनी मिल वालों के और गन्ना किसानों के भी ध्यान में आया है कि जितने निर्णय मोदी जी ने उनके लिए लिए, वो किसी ने नहीं लिए। चाहे फिर इथेनॉल के कारण ये पूरी इकोनॉमी को रिवाइव करना हो, चाहे लगातार FRP बढ़ाना हो, अभी कल भी FRP बढ़ाइए, तो जिसके कारण 5 करोड़ किसानों को देश में फायदा होगा। महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर ये जो गन्ने की FRP बढ़ी है, उसके कारण हमारे किसानों को भी बहुत बड़े पैमाने पर उसका फायदा होने वाला है। इतना नहीं तो MSP मतलब शुगर की जो सेलिंग प्राइस है, उसको भी तय करने का काम केंद्र सरकार ने करने के कारण गन्ना किसानों का रियलाइजेशन बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा और चीनी मिलों को भी उसका एक फायदा हुआ है। तो मुझे लगता है कि चाहे ये FRP बढ़ाने का निर्णय हो या फिर कल जिस प्रकार से 3 साल तक यूरिया के जो भाव है उसको एक प्रकार से सब्सिडी देने का निर्णय हो, क्योंकि दुनिया जानती है कि यूक्रेन और रशिया के वॉर के कारण दुनिया में फर्टिलाइजर्स के और स्पेशली यूरिया के भाव 3 गुना बढ़े हैं, लेकिन लाखों करोड़ रुपए मोदी जी सब्सिडी देकर यूरिया के भाव उसी लेवल पर रख रहे और किसानों पर उसकी गाज नहीं गिरने देते। और कल ही 3 सालों के लिए उन्होंने उस सब्सिडी को बढ़ा दिया है। मुझे ऐसा लगता है किसानों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है।